दोस्तों फाइनली इंडिया की फर्स्ट क्रीचर कॉमेडी फिल्म भेड़िया का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। भेड़िया दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तीसरी मूवी है, जिनकी पहली दो मूवीज स्त्री और रूही थी। और दोस्तों आपको शायद ही ये बात पता होगी कि भेड़िया मूवी के VFX का काम इंटरनेशनल स्केल पे किया गया है। MPC जो हॉलीवुड का एक अवार्ड विनिंग VFX स्टूडियो है, जिसने हॉलीवुड की टॉप मूवीज दी जंगल बुक, दी लॉयन किंग और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसी मूवीज में VFX का काम किया है। और इसी स्टूडियो ने भेड़िया मूवी के VFX का काम भी किया है। बस ट्रेलर की ये दो ही शॉट्स काफी हैं आपको VFX की क्वालिटी बताने में कि कितना डिटेलिंग में काम किया गया है। बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है, एकदम नेक्स्ट लेवल। तो आप समझ ही सकते हो कि 3D में इसके विजुअल्स एक्सपीरियंस करने में कितना ज्यादा मजा आने वाला है। भेड़िया मूवी इतनी प्रॉमिसिंग बस इसके ट्रेलर से ही नहीं बल्कि इसके मैडडॉग प्रोडक्शन से भी है, क्योंकि मैडडॉग हमेशा यूनिक और फ्रेश कॉन्सेप्ट्स ऑडियंस के सामने लेके आता है, जैसे कि स्त्री, मिमी और बाला। अगर कोई एक सिंपल सी भी स्टोरी है तो ये उसकी स्टोरी टेलिंग को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं, जिसमें कॉमेडी, इमोशन सब होता है। इसलिए भेड़िया मूवी भी एक हिट साबित हो सकती है। मूवी का कलर कोड, फैंटेसी वाइब, रियल लोकेशंस, कैरेक्टर्स सभी परफेक्ट नजर आ रहे हैं। सभी एक्टर्स का लुक डिफरेंट है। अभिषेक बैनर्जी और दीपक डोबरियाल भी हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी ज्यादा कॉमेडी होने वाली है। रीति सेनन मूवी में डॉक्टर अनिका के कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं, जो शायद वरुण धवन की भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो जाने का इलाज वगैरह करेंगी और उनकी लव इंटरेस्ट भी होंगी। वरुण धवन का ट्रांसफॉर्मेशन सीन जब वो भेड़िया में ट्रांसफॉर्म होते हैं और जिस जगह भेड़िया ने उनको काटा है, ये दोनों ही सीन्स देखकर पता लग जाता है कि मूवी कॉमेडी और हॉरर दोनों को ही बैलेंस करके चलने वाली है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में CGI भी खतरनाक लेवल पे लग रहे हैं। मूवी का टीजर, ट्रेलर और पोस्टर सभी बहुत ज्यादा बढ़िया है और ये मूवी भी अब कमाल की हाइप क्रिएट कर चुकी है। इस मूवी में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये इन फ्यूचर स्त्री मूवी से कैसे कनेक्ट करेगी। भेड़िया मूवी हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में 25 नवंबर को रिलीज की जाएगी। तो वेल, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मूवीज और सीरीज के रिव्यू, क्विक और लेटेस्ट अपडेट्स और भी इंटरेस्टिंग स्टफ्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।